नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन केटाक गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा के जैविक अनुसंधान केंद्र पर आज एक नए विषय के साथ आप सबके सामने खड़ा हूँ। विषय है कि ऑफ सीजन कल्टीवेशन में किस तरह हम आगे बढ़ें। ऑफ सीजन का मतलब है बेमौसमी सब्जियाँ। आने वाले एक महीने बाद हम आप लोगों को तरबूज देंगे, खरबूज देंगे, खीरा देंगे, ककड़ी देंगे, इस तरह की अनन्य सब्जियाँ दे रहे हैं। ये किस तरह संभव है, क्या इसके अंदर साथ में जो चीज़ें जोड़नी होगी, क्या सावधानियां रखनी होगी, ऐसी कौन सी चीज़ें इसके साथ जोड़ती है जो किसान को आगे बढ़ाई जा सके। बात यहाँ हो रही है लॉ टनल से किस तरह सब्जियों की खेती करें और सब्जियों में भी जैविक सब्जियों की खेती करें। अभी सब्जियों के अंदर जब हम अभी बुआई करेंगे तो तापमान कम होने की वजह से अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है, और उसके बाद भी तापमान और ज़्यादा कम होने से इसके अंदर पौधों में पाला पड़ने की वजह से पूरे पौधे जल जाते हैं। लेकिन इस तरह बचाने के लिए लो टनल नाम की तकनीक काम में लेते हैं। टनल को हिंदी में अर्थ गुफा होता है, छोटी सी गुफा बना के उसके अंदर उसको कवर करते हैं। लो टनल बनाने के लिए इसमें दो तीन चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंदर नॉन वन का एक कपड़ा, फैब्रिक सरिया और धागा। इसका आपको लाइव एग्जांपल अभी हम देने वाले हैं, किस तरह इसको लगाना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे हम नॉन वन लगाने की बात कर रहे थे तो मैंने इसमें आपको बताया कि दो तीन चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। वो है नॉन वन के लिए कपड़ा, सरिया। सरिया ये है, ये प्लास्टिक का सरिया है जो इसके अंदर ये आपको दिख रहा है, छोटा सा 5 mm का सरिया है। ये प्लास्टिक का आता है, 15 से 20 रुपये इसका मूल्य होता है। प्रत्येक 15 फीट की दूरी के ऊपर एक सरिया अपन को लगाना होता है। यू शेप के अंदर इसको डालते हैं तो ये टनल का आकार बन जाता है। हर 15 फीट बाद में डालने के बाद में एक सरिये से दूसरे सरिये के बीच में ये प्लास्टिक की रस्सी का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक की रस्सी लास्ट तक हमें उसको बांधनी पड़ती है। कई बार कुछ लोग इसको तीन तरफ बांधते हैं। यदि आपके पास धागा मजबूत है, व्यवस्था अच्छी हो तो एक से भी काम अपन चला सकते हैं। अब हम बात करें कैसे इसको लगाएँ, तो यहाँ पर एक तिरछी बांस की लकड़ी भी लगा सकते हैं, सरिया भी गाड़ सकते हैं, और आपके यहाँ मल्च है तो ठीक है, बिना मल्च भी नॉन वन का उपयोग ले सकते हैं। मल्च के अंदर भी थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये नॉन वन कपड़ा है। अब ये दोनों बंधु इसको लेके चलेंगे। अभी ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे सीधा सीधा इसमें फैलाते रहेंगे। अभी इसमें ये फैलाने के बाद में यहाँ से गांठ दे दें, ये बांध दिया मैंने सामान्य सहज, जिस तरह हम रस्सी को बांधते हैं वैसे ही ये बांध दिया। अभी इसको पूरा ये खींचते जाएंगे। अभी इसके अंदर ये लगा दिया, ये नॉन वन का क्लॉथ लगाने के बाद में इसको टाइट खींचेंगे। खींचने के बाद में इसके ऊपर अपन मिट्टी ढक देंगे ताकि हवाओं का वेग ना चले। बस इतनी सी कार्रवाई करने के बाद ये लो टनल अपने आप में एक शेप ले लेती है। बस सावधानी इसमें ये रखनी है कि चारों तरफ मिट्टी अच्छी लगाएं, नहीं तो हवाओं के लपेटे के साथ में ये पूरी कहीं अन्यत्र स्थान पर उठ नहीं जाए। जब ये इसके अंदर भी 10-15 दिन, 5-7 दिन के अंदर अपन अंतराल में पौधों को चेक करना होता है ताकि कोई कीट लगा हुआ है, रोग लगा हुआ है, तो इसकी जानकारी हमें मिल सके। बस इतनी सी इसमें जानकारी रखें। दूसरी ये है कि यदि क्रॉस पोलिनेटेड फसल है तो क्रॉस पोलिनेटेड में पोलिनेशन के लिए इसको सुबह शाम, इसको सुबह खोलना होता है, शाम को वापस ढकना होता है। ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। इसके खर्च की भी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि ये 3200 रुपये से 4000 रुपये के अंदर ये एक बंडल आता है, जो 500 से 600 मीटर का आता है। 25 mm इसकी थिकनेस होती है। ये इसकी जो नॉन वन की रेट है, एक बेड जैसी 660 मीटर की है तो 10 बेड के ऊपर करीब अपन का 4000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन ऑफ सीजन कल्टीवेशन प्रैक्टिस को हम फॉलो करते हैं तो जो चीज़ हमारी 10 रुपये किलो सीजन में बिकेगी वो ऑफ सीजन के अंदर 25 से 30 रुपये में बिक जाती है। तो इस तरह ये नॉन वन और फैब्रिकेशन और इन सब का पैसा खर्च करने के बाद में भी किसान काफ़ी राशि को अर्जित कर लेता है। तो ये है लो टनल की एक मेन बात, जिससे कि काश्तकार जैविक पद्धति के अंदर में भी ऑफ सीजन को अपनाते हुए आगे की तरफ वो बढ़ सकता है। तो जहाँ पे हम लो टनल से सब्जियों की खेती के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी हम आप देख रहे हैं कि ये हमारी फसल 45 से 55 दिन की हो रही है। अब 45 से 55 दिन के अंदर जो लो टनल का फ़ायदा ये है कि हमें अगेती भी मिल रही है, और यही जो फसल है
ये बाहर जाके 60 दिन 65 दिन के अंदर प्रोडक्शन दे रही थी, वही अपने यहाँ पर ये 45 दिन में प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है। ऑफ सीजन कल्टिवेशन की वजह से आज उत्पादन भी हमारे को बेहतरीन मिल रहा है, उसकी गुणवत्ता भी बेहतरीन है। उसके दो अनन्य फायदे भी आपको मैं बताता हूँ कि पूरी चारों तरफ से एकदम ढकी हुई होने की वजह से किसी भी तरह से सकिंग पेस्ट जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनका भी प्रभाव नहीं होता है। सर्दियों से तो बचाया जा सकता है आसानी से, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। -1 डिग्री टेम्परेचर तक हम लोग इस फसल तक देख चुके हैं। अन्य लोगों का ये भी कहना है कि इससे भी कम तापमान में भी लो टनल से खेती हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ पर नोट किया है कि टेम्परेचर -1 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी फसल पर किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। तो सर्दी और पाले से बचाने के लिए लोटनल एक बेहतरीन विकल्प है। इसके साथ साथ कीट एवं रोगों से भी हमारे को निजात मिलती है। आज वाइट फ्लाई और थ्रिप्स जैसे इंसेक्ट इतने खतरनाक होते हैं कि वाइट फ्लाई से आज वापस लीफ कर्ल जैसी बीमारी हो जाती है, लेकिन लोटनल के बाद में हमारे वाइट फ्लाई की समस्या भी नहीं आती है जब तक वो लगी हुई होती है। इस तरह अनन्य कीटों से भी हमारा आसानी से बचाव हो जाता है। ये है लोटनल की मेन बात, जहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई करके ऑफ सीजन के अंदर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप इस संबंध में कोई जानकारी और चाहते हैं, हम लोगों से जोड़ना चाहते हैं, तो केंद्र पर पधार कर इसका जीवंत उदाहरण सामने देख सकते हैं। धन्यवाद।